बनाइए। जय बालाजी पैकेज टूरिज्म यात्रा लेकर आए हैं नेपाल की शानदार ट्रिप, जिसमें होगा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन, काठमांडू और नेपाल की फेमस हिल स्टेशन पोखरा भी घुमाया जाएगा, और साथ ही साथ लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक केवल 16,000 में, जिसमें 6 दिन के रहने के लिए फैमिली डिलक्स रूम, घूमने के लिए मिनी बस और घर जैसा खाने का इंतजाम किया गया। वापस लौटते ही होंगे श्री राम जी के दर्शन राम जन्मभूमि अयोध्या में। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी। पूर्व नगर सेवक राजेश भद्रिया द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मंगलवार से उल्लासनगर 2 नेहरू चौक स्थित कृष्णा आर्केड में स्टैंप ड्यूटी अभय योजना 2023 का मुफ्त कैंप का उद्घाटन विधायक कुमार एलानी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। यह कैंप 29 फरवरी 2024 तक चलेगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश मखीजा, विधानसभा चुनाव प्रमुख जमनू पुरस्वानी, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी कार्याध्यक्ष महेश सुखरामानी, पूर्व नगर सेवक राजेश भद्रिया, पिंटो भट्टीजा, प्रकाश माखीजा, रामचारली पारवानी, अजीत सिंह लबाना, राकेश पाठक, लक्की नाथानी, अजीत सिंह लबाना, विक्की मेंगवानी, फूलचंद यादव आदि भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां स्थानिक नागरिकों द्वारा विधायक कुमार एलानी व राजेश भद्रिया का स्वागत भी किया गया, क्योंकि उनके एरिया में देसी बार खुल रहा था, जिसका विरोध स्थानीय नागरिकों ने किया, जिसमें राजेश भद्रिया के सहयोग से उन्हें विधायक कुमार एलानी का सहयोग मिला और देसी बार की अनुमति रद्द हुई। देखिए, आज जो महाराष्ट्र शासन ने हमको एक सुनहरा अवसर दिया है, तो ये आम जनता के लिए, उल्लासनगर के आम जनता के लिए अति आवश्यक है कि इस योजना का फायदा उठावे। और क्योंकि ये एक योजना एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है, तो इसमें अभी जो है स्टम्प जो ड्यूटी पुरानी आपने नहीं भरी है उसका कोई भी आपको भुगतान नहीं करना है, और जो आपने उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी उसका भी कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगी जाएगी, सिर्फ कुछ कागज आपको जमा करने हैं। तो हमने देखा है कि कुछ बॉन्ड राइटर 25,000, 30,000, 50,000 मांग रहे हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच के यहाँ पर आज एक फ्री कैंप का उद्घाटन किया है कि आज से लेकर 29 फरवरी तक ये कैंप रहेगी, जिसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसको निशुल्क ये हम सेवा देंगे। नंबर आप मेरा ही दे दीजिए, 9822660055। मेरा नंबर काफी पहले बार मैं दे चुका हूँ, अभी भी फिर से दिया हूँ, तो किसी को भी यहाँ पहुंचना है, कृष्णा आर्केड, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, तीसरा माला, नेहरू चौक, उल्लासनगर 2, यहाँ पर आके अपना जो भी उनका प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करके देंगे। देखिए, दो चरणों में है, 1980 से लेकर 2000 तक, 2001 से लेकर 2020 तक। अभी एक महीना जो भर गई है उसमें जो पहले का पार्ट था 1980 से 2000 वाला, वो भी इसमें आ गया है। तो अभी इसमें सिर्फ एक कागज जो कंपलसरी है वो है स्टम्प पेपर, जिस भी स्टम्प वेंडर से आपने लिया है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो स्टम्प वेंडर इस दुनिया में नहीं है या उपलब्ध नहीं है, उसके जगह पे सब रजिस्ट्रार में हम आपको एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन करने के बाद 4 दिन में वो सर्टिफिकेट हमको बना के देते हैं कि ये स्टम्प पेपर आपने इनसे लिया था। इसके बाद कोई भी एक कागज, बैंक का पासबुक है, इनकम टैक्स का रिटर्न है, लाइट का बिल है, राशन कार्ड है, गैस कनेक्शन है, लाइट का बिल है, या आपको टेलीफोन का बिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या महानगर पालिका का कोई भी एक डॉक्यूमेंट उस तारीख का आपके पास होना चाहिए, वो साथ में हमें जोड़ना है तो वो वैलिड हो जाएगा। ये स्कीम रीडेवलपमेंट का पहला पड़ाव है, पहला टप्पा है। इसके बाद आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही स्टम्प पेपर के जो आपने भर दिया है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपकी जब भी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डीम कन्वेनर में, अगर बिल्डर आपको सहकार नहीं देता है, जमीन मालिक आपको सहकार नहीं देता है, तो डीम कन्वेनेंस में जाना है। डीम कन्वेनेंस के टाइम पे भी यही पेपर्स आपको काम में आएंगे, और फिर वो प्रॉपर्टी, वो जो जमीन है, आपकी सोसाइटी के नाम पे हो जाएगी। पैनल नंबर 8 में जो मरड़ी पारा इलाका है, उसमें एक जगह पे एक दुकान में, वहां पे आके कंत्री बार का ओपनिंग हुआ, एक दुकान खोलने की कोशिश की, जिसमें महिलाएं
और हमारे वरिष्ठ नगर सेवक राजेश भद्रिया जी उनको लेके मेरे ऑफिस में कार्यालय में आए। उन्होंने जो मुझे शिकायत की उसी टाइम मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर से बात की कि वहां पे खुलना नहीं चाहिए और ऊपर थाना में भी मैंने उसकी शिकायत की कि ये जो कंत्री बार बीच रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे करीबन 800 से 1000 लोग रहते हैं, बस्ती है, महिलाएं हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, और उस इलाके में कंत्री बार नहीं खुलना चाहिए। उसको देखते हुए आज महिलाओं को खुशी लगी कि वहां का कंत्री बार बंद हो गया। हमारे राजेश वदेरा जी ने काफी सारी कोशिश की, हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने कोशिश की और आज ये महिलाओं का कार्य सफल हुआ। जो उन्होंने कहा था कि दुकान बंद हो जाए वो बंद हो गया। मैं महिलाओं को शाबाशी देता हूं जो इन्होंने एक प्रयत्न करके कोशिश किया था। मेरे पास 70 से 80 महिलाएं मेरे ऑफिस में आई थी, प्लस खासदार साहब के पास, राजेश भद्रिया के पास, जो इनकी एम थी वो सक्सेस हो गई। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए जो हमारे पास आएगा, अगर जो इलाके में किसी को कंप्लेंट्स है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे महिलाएं बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, रहते हैं या सिटीजन्स, तो वो वहाँ पे कंत्री बार या कोई भी दारू का धंधा नहीं होना चाहिए। खुल्लं होतं, त्याबद्दल सरांनी आम्हाला खूप मदत केली। आमच्या इथले कंट्री बार बंद झालंय, त्यामुळे आम्ही लोक श्री कुमार आमदार सरांचं खूप खूप धन्यवाद करतो। आणि तसेच नगरसेवक राजेश वधिया सर यांनी पण आम्हाला खूप साथ दिली। आम्ही खासदार साहेबांकडे गेलो, तिथे पण सर आमच्या सोबत होते। आणि खासदार साहेबांचं पण धन्यवाद की त्यांनी आम्हाला खूप मदत केली। महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो सुविधा मुद्रांक शुल्क के लिए दी गई है, स्टैंप ड्यूटी के लिए जो अभय योजना शुरू की गई है, उसका फायदा पूरे शहरवासी बिना किसी दिक्कत के लें। उसके लिए यहां पर एक कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक राजेश वद्रिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के यहाँ पर आज 6 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक यहाँ पर पूरे स्टाफ को बिठाया है। शहर में जिनको भी मुद्रांक शुल्क के बारे में जो उन्होंने नहीं भरा था, स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी थी, उसका जो फ्री स्टैंप ड्यूटी का जो यह अभय योजना शुरू हुआ है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को आज तक जानकारी नहीं है, लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे खर्चे उन्हें बताए जा रहे हैं जिसके लिए लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए यह सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 3rd माले पर बहुत सारे कार्यालय हैं। यहाँ पर हमारे राजेश वद्रिया जी के स्टाफ के लोग, उनके ऑफिस के लोग और कई अन्य जानकार बैठे हैं जो आपको पूरी जानकारी देंगे आपके चैनल के माध्यम से। यह कहना चाहूंगा कि हमारे आमदार कुमार एलानी जी पूरा सहयोग करके ताकि लोगों को एक भी पैसा भरना न पड़े, ऊपर हमारे वरिष्ठों से बात करेंगे और जो भी व्यक्ति यहाँ राजेश वद्रिया के इधर आएंगे, फॉर्म भरेंगे और जानकारी लेंगे, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको हम निःशुल्क कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं शहर के हरेक व्यक्ति को जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना समय खराब न करें और सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ पर आएं और पूरी जानकारी लें और जो जो मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा, जो फॉर्म आपको मिलेगा, उन सभी को जल्द से जल्द भरकर फिर यहाँ पर आएं ताकि आपको पूरा मुद्रांक शुल्क का फायदा मिल सके। जय श्री राम। दिस फेस्टिव सीजन मीट ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer.